हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लग चुका है और इस दौरान जरूरी सामान की दुकानों के अलावा अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं। इस संबंध में शुक्रवार को सोलन बुक एसोसिएशन ने डीसी सोलन के सी चमन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्हें भी इस लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत देने की मांग की गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने डीसी के समक्ष पक्ष रखा कि ऑनलाइन पढ़ाई चली हुई है और ऐसे में बच्चों को पेंसिल कॉपी सहित अन्य चीजों की जरूरत पड़ रही है, जिसको लेकर लोग उन्हें फोन भी कर रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण वे लोगों को यह सामान उपलब्ध कराने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि जैसे पिछली बार बुक व स्टेशनरी एसोसिएशन को कुछ देर के लिए दुकान खोलने की छूट दी गई थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी उन्हें कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाए। जानिए क्या कहा एसोसिएशन के सदस्यों ने। जिलाधीश सोलन से मिलने गए थे बुक सेलर एंड स्टेशनरी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी। हमने उनके समक्ष अपनी मांग दोहराई है कि जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान बुक्स और स्टेशनरी के लिए एसेंशियल सर्विस में गिना गया था, इस साल भी हमें इसके बारे में छूट दी जाए। जैसे हमें अभी प्रॉपर लॉकडाउन के अंतर्गत हमें लाके खड़ा कर दिया गया है, तो हमें पेरेंट्स के बच्चों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो डिमांड करते हैं, अंकल हमें ये बुक चाहिए, हमें ये स्टेशनरी चाहिए, क्योंकि उनके सबके बच्चों की स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई सभी की चल रही है, स्कूल्स की भी चल रही है, कॉलेज की चल रही है, तो उनकी ऑनलाइन तो क्लासेस चल ही रही हैं, तो उनको डिमांड भी कुछ ना कुछ स्कूल की तरफ से रहती है। तो उनके बच्चों के फिर हमें कॉल्स आते हैं कि अंकल आपका दुकान कब खुलेगी, हमें ये सामान लेना था, हमें ये सामान लेना था। तो हम इसी उपलक्ष्य में आज हम जिलाधीश महोदय से मिले, हमने उन्होंने अपने विचार रखे हैं, हमने अपनी मांग रखी है, उन्होंने आज हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है हम सरकार से बात करेंगे, इसमें विचार करेंगे।